नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 के x इनटू cos x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू cos के x, ठीक है, देन k इक्वल टू, तो हमें गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 के x इनटू cos x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू cos k x, ठीक है, ये हमें गिवन है, ये इसके इक्वल है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा k इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड cos x को वी कैन राइट 1 अपॉन sin x, सो ये आ जाएगा x अपॉन sin x, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो यहाँ पे cos के एक्स है, सो इसको वी कैन राइट 1 अपॉन साइन के एक्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा x अपॉन साइन के एक्स। नाउ यहाँ पे हम जो यूज करेंगे फॉर्मूला लिमिट का, वो यूज करेंगे दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है, ठीक है, और ये भी 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, ये एक ही बात है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस लिमिट ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी, एंड यहाँ पे अगर हम k का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, सो ये आ जाएगा 1 अपॉन k यहाँ पे, सो अब देखो ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा k इज इक्वल टू दिस इज 1 k इंटू 1 1 अपॉन k इंटू 1, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। सो ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर।